नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मनी मेकर्स में। आज हम MCX क्रूड ऑयल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो हम हिंदी में बना रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि हमारे ज़्यादातर यूज़र्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर हिंदी में वीडियो बनाइए। ओके, तो ये वीडियो आप सभी के लिए हिंदी में है, फाइन। तो उससे पहले हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात करें, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे मोर देन 950 मेंबर्स आ गए। ओके, तो ये टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, वहाँ पे हम फ्री कॉल्स प्रोवाइड करते हैं MCX के रिगार्डिंग। तो ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको अकाउंट ओपन करना होगा। अकाउंट ओपन एक्चुअली प्राइम चैनल के लिए आपको अकाउंट ओपन करना होगा, फ्री टेलीग्राम चैनल के लिए आपको लिंक के थ्रू जाना होगा। आप देख सकते हो स्टॉक मनी मेकर्स का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर बहुत सारे MCX के रिगार्डिंग वीडियोज़ हैं। कोई भी क्रूड ऑयल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या कोई भी MCX के वीडियो पे जाइए डिस्क्रिप्शन पे, जैसे कि हम ये वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जैसे ही आप जाते हो तो आपको लिंक मिल जाएगी, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक। ओके, सो टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, आपको हमारे प्रीवियस डेटा, प्रीवियस रिकॉर्ड्स, प्रीवियस प्रॉफिट स्क्रीनशॉट सब आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। हमारी एक्यूरेसी मोर देन 80% है, ये भी आप वहाँ पे पता लगा सकते हो। और AliceBlue पार्टनर जो लिंक है, हम AliceBlue के पार्टनर है, तो ये लिंक के थ्रू जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हो, उसका बेनिफिट आपको मैं बता दूं कि आपको लाइफ टाइम फ्री प्रीमियम टिप्स मिलेंगे हमारे तरफ से MCX और इक्विटी में। आप देख सकते हो कि AliceBlue आपको हाईएस्ट एक्सपोजर प्रोवाइड कर रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टेक्निकल चार्ट्स के साथ आपको लोएस्ट ब्रोकरेज भी मिल रहा है। ओके, आपको नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर करना होगा। स्टेट पे आप अपने हिसाब से स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र, वरना आप कर्नाटका, गुजरात, दिल्ली, कोई भी अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए और लॉगिन कर लीजिए। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, कंपनी के एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करके आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। ओके, सो ये आप प्लीज़ डोंट आप भूलिएगा मत स्टॉक मनी मेकर्स को सब्सक्राइब करना। जैसे आप स्टॉक मनी मेकर्स को सब्सक्राइब करते हो, जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियोस रहेंगे उससे आप अपडेटेड रहते हो। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि क्रूड ऑयल की है। तो ये फ्यूचर की जो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बेस्ड है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि क्रूड ऑयल में आपको आराम से 9 से 11 बजे का मार्केट मिल जाता है कैप्चर करने के लिए। तो ये इसमें अगर आपको 15 से 20 पॉइंट मार्केट में मिल जाता है, यानी एक लॉट पे आप अगर 15 से 2000 रुपए आराम से कमा सकते हो बिना रिस्क के, तो और क्या चाहिए आपको। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप देखिए। पहले तो मैं आपको ये स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, और वो ट्रिक ये है कि आपको MCX के पेज पे जाना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने गूगल सर्च किया MCX। ओके, जैसे ही आप MCX इंडिया पे क्लिक करते हो, वहाँ पे आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज पे आपको जाना है मार्केट डेटा पे। अभी आप देखिए यहाँ पे मार्केट डेटा पे बहुत सारी चीज़ें, मार्केट वॉच लिस्ट, मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, हिस्टोरिकल डेटा, कॉन्ट्रैक्ट वाइज हाई एंड लो। ओके, ऑप्शन चेन आपको मिल जाएगा। ऑप्शन चेन के थ्रू भी आप पता लगा सकते हो मार्केट का ट्रेंड कैसा है, क्रूड ऑयल का ट्रेंड कैसा है। ओके, टॉप गेनर्स के थ्रू आप देख सकते हो कौन सा कॉमोडिटीज़ अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पुट कॉल रेशियो आपको बता देगा कि वॉलेटिलिटी मार्केट में क्या चल रही है। तो आप अभी आपको भाव कॉपी पे क्लिक करना है। जैसे आप भाव कॉपी पे क्लिक करोगे, आप देख सकते हो एक पेज ओपन हो जाएगा। ओके, जैसे आपने भाव कॉपी पे क्लिक किया, एक पेज यहाँ पे ओपन हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही ये भाव कॉपी का जो पेज ओपन हुआ है, यहाँ पे आप डेट वाइज पे एक बार क्लिक कर दोगे, तो डेट वाइज के हिसाब से आप यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हम फ्यूचर का इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर कॉमोडिटी, इसमें हम सिलेक्ट करेंगे क्रूड ऑयल सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे क्रूड ऑयल है। ओके, एक्सपायरी में आप जाके सिलेक्ट करोगे, अभी हम दिसंबर में आ चुके, बट हम नियर एक्सपायरी जो कि 19 नवम्बर था, तो हम नवम्बर का सिलेक्ट कर रहे हैं। 19 नवम्बर के बाद ये 2019 नवम्बर का हमने स्क्रिप्ट सिलेक्ट किया है, और डेट हम सिलेक्ट करेंगे 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक। ये ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप प्लीज़ ये ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 नवंबर से लेके जो 19 नवंबर तक ट्रेडिंग हुई है फ्यूचर में, वो पूरा डेटा आ चुका है हमारे सामने। तो यहाँ पे ये डेटा को हम यूज़ कैसे करें, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये डेटा से आपको ये पता चल जाएगा कि क्रूड ऑयल में जो वॉलेटिलिटी है वो चल रही है या नहीं चल रही है।
जनरली क्या होता है, क्रूड ऑयल वन साइड होता है मार्केट, और वन साइड क्रूड ऑयल बहुत ही कम होता है, ठीक है, ज़्यादातर ये वॉलेटाइल होता है। तो वॉलेटाइल आप इस पर कैसे पता लगा सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्रूड ऑयल यहाँ पे इसका क्रूड ऑयल का ओपन इज इक्वल टू हाई, देखिए आप देख सकते हो ये सारे प्राइस ओपन के, ये सारे हाई के, ये लो और ये क्लोज। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्रूड ऑयल पहले नवंबर को इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो इज इक्वल टू हाई नहीं है, और ना इसका ओपनिंग प्राइस इज इक्वल टू लो है, और ना इसका ओपनिंग प्राइस क्लोज के बराबर है, ठीक है। तो ये जो जब तक आपका ओपनिंग प्राइस हाई के, अगर सपोज आप मान लीजिए 19 नवंबर को क्रूड का जो प्राइस है ओपन प्राइस 4095 है, ठीक है, और उसका जो हाई है वो 4104 उसने बना लिया, और उसका जो लो था वो 4095 था, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्रूड ऑयल का जो ओपनिंग प्राइस है वो लो प्राइस के बराबर था, 4095 उसके लो के बराबर था, 4095 के बराबर। तो ओपन प्राइस इज इक्वल टू लो प्राइस, या ओपन प्राइस इज इक्वल टू हाई प्राइस। तो इस 80% चांसेस रहते हैं कि जो भी उसका ओपन इज इक्वल टू हाई है या ओपन इज इक्वल टू लो है वो टूटने वाला है। तो अगर आपको पता चल जाता है कि भाई क्रूड का जो ओपन प्राइस है वो 4095 है, और क्रूड का जो लो प्राइस है वो 4095 है, और क्रूड चल रहा है अभी 4104 के आसपास, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा 15-20 पॉइंट का रिस्क लेके क्रूड को सेल कर सकता हूँ। इसका रीज़न ये है कि 80% चांसेस है क्रूड का जो हाई ओपन इज इक्वल टू लो है या ओपन इज इक्वल टू हाई है वो पूरे दिन में टूटने ही वाला है। क्रूड का जो मार्केट है वो 10 घंटे का मार्केट है, तो 10 घंटे में आपको ऐसा मोमेंट मिल ही सकता है कि उसका जो ओपनिंग इज इक्वल टू हाई और ओपनिंग इज इक्वल टू लो प्राइस है वो टूटने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं, ओके। तो ये रिस्क आप 80% एक्यूरेसी रेट है इस चीज़ इस इंट्राडे ट्रिक की वो आप ले सकते हो, उसके थ्रू आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। और एक जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आप उस पर भी ध्यान दीजिए थोड़ा, अगर वो ट्रिक को ये स्ट्रेटजी के साथ आप मिक्स करके ट्रेडिंग करते हो तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। ये स्ट्रेटजी पे आपको टाइम फ्रेम 1 आकर सिलेक्ट करना है, डिस्प्ले पे आप देख लीजिए यहाँ पे हैक एंड एसी चार्ट स्टाइल सिलेक्ट किया है मैंने, ओके। और स्टडीज़ में आप इंडिकेटर देख लीजिए, पीरियड है 27 डे का, टाइप है 3 एक्सपोनेंशियल, फील्ड है क्लोज, ओके। ये रेड कलर का जो इंडिकेटर आप देख रहे हो ये 27 डे ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अभी आप इसे कैसे अप्लाई कीजिए मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरे दिन में क्रूड का जो ओपन प्राइस था वो लो प्राइस के बराबर होगा, या क्रूड ने थोड़ा सा लो बना दिया और फिर वो थोड़ा सा हाई बना के ट्रेडिंग कर रहा है, ओके। सो चांसेस है कि क्रूड दोनों साइड में से एक साइड मूवमेंट दे, ओके। तो जनरली हम क्रूड ऑयल में मूवमेंट कब देखते हैं, आफ्टर 6 PM, आप देख सकते हो आफ्टर 6 PM हम क्रूड में बड़ा मूवमेंट देख सकते हैं। कभी भी आप देखो यहाँ पे भी अगर गिरावट है तो वो 6 PM के बाद ही आ रही है, अगर यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट है तो वो भी 6 PM के आसपास ही आ रही है, ओके। आप यहाँ पे भी मूवमेंट देखिए तो 6 PM के बाद ही आ रही है, यहाँ पे भी आप मूवमेंट देखोगे तो 6 PM के बाद ही आपको मूवमेंट दिखाई दे रही है, ओके। सो ये जो रैली है ये आपको मोस्टली 6 PM के बाद क्रूड ज़्यादा वॉलेटाइल मिलता है, तो इसका फ़ायदा कैसे उठाइए, आप देख सकते हो कि ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जैसे ही वो आप देख सकते हो कोई कैंडल उसके नीचे क्लोज हो रहा है, ओके, आप सेल कर दीजिए क्रूड को बिना सोचे समझे उसे सेल कर दीजिए। अभी यहाँ पे बात आ जाती है कि स्टॉप लॉस और टारगेट, स्टॉप लॉस हमेशा अपना प्रीवियस कैंडल का हाई रखिए, जैसे अगर मैं ये कैंडल पे सेल कर देता हूँ तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस समझो इसने हाई मारा है 4166 का, तो समझो मैं 4161 या 4162 पे भी सेल कर देता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस कैंडल का हाई जो कि था 4169, यानी 7 से 8 पॉइंट का मैक्सिमम रिस्क आप ले सकते हो ये स्ट्रेटेजी के थ्रू, और क्रूड ऑयल को सेल कर सकते हो। यही चीज़ आप बाय साइड में भी कर सकते हो, 1 hour टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो अगर कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रहा है तो वहाँ पे आप उस प्राइस पे बाय कर लीजिए और पीछे का जो कैंडल है उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और टारगेट आपको हमेशा 1:2 और 1:3 रखना है। जो भी आप रिस्क ले रहे हो, अगर आप 10 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो तो 20 पॉइंट का टारगेट आप पहला रखिए, ओके। तो ये आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया। तो गाइज ये स्ट्रेटेजी आप अच्छे से अप्लाई कीजिए, हो सके तो ये ट्रिक के साथ अप्लाई कीजिए हाई लो के, ओके।
ये उस ट्रिक के साथ अगर आप अप्लाई करोगे तो स्ट्रेटेजी आपको बेनिफिट करेगी। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, आपको बस अपना अकाउंट ओपन करना है हमारे प्रीमियम टिप्स के लिए। और फ्री टिप्स के लिए आपको खाली यूट्यूब वीडियो के लिंक के थ्रू जाना है, लिंक के थ्रू आप जाके फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी। ओके, और जैसे ही आप रजिस्टर करते हो अपना अकाउंट के लिए AliceBlue में, तो आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे, मार्जिन लिमिट आपको ज़्यादा मिलेगा ट्रेडिंग के लिए और फ्री प्रीमियम टिप्स लाइफ टाइम के लिए मिलेंगे। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टॉक मनी मेकर्स MCX ट्रेडिंग चैनल।